अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने की। आज एक और दूसरी ट्रिक लेकर आपके साथ मैं हाजिर हुआ हूँ, और वो क्या है देखिए, ये दो वर्ड हैं। एक वर्ड हमारे पास है NYM, निम, ठीक है, निम या ONYM, ONIM। एक्चुअली निम है क्या, इसको मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। निम है क्या, निम कहते हैं, ये ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड्स भी ग्रीक, इसके मीनिंग होते हैं NAME, ने, या तो इसके मीनिंग नहीं होते, ठीक है, या इसके जो मीनिंग अक्सर लिए जाते हैं वो नाउन भी लिए जाते हैं, NOUN, नाउन, इंग्लिश में नाउन कहते हैं, ठीक है, लैटिन में नेम, लैटिन में नेम, ओके, ग्रीक में नेम, ठीक है, ओनिम भी कहा जाता है, निम भी कहा जाता, नाउन। और इसे हम यू भी कह सकते हैं कि जो निम होता है ना, ये सेट्स ऑफ नाउन्स होता है, सेट्स ऑफ नाउन विथ कॉमन एट्रीब्यूट्स, सेट्स ऑफ नाउन विथ कॉमन एट्रीब्यूट्स, एक्चुअली ये नेम होता है, ठीक है, निम मीन्स नेम। अब हम देखते हैं, हमने एक आज एक हेड वर्ड लिया है निम, ठीक है, इस निम से आज हम देखेंगे कि हम कितने वर्ड्स सीखते हैं हम आज की क्लास में। अब देखिए, सपोज हमारे पास जैसे एक वर्ड है, यहां पर नंबर वन लेते हैं SYN, सिन। अगर इसको सिन ओनियम ओ लगा कर पढ़े, या अगर ओ यहां लगा दें तो सिन, एक्चुअली ये जो है ये सिन है, इसमें ओ, अगर मैंने इसलिए यहां पे हाइफन दिया कि आप अगर ओ लगा कर पढ़े तो सिन है, और सिन एक्चुअली इसका मेन पार्ट जो है सिन, और सिन के मीनिंग क्या होते हैं, सिन के जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं टुगेदर, या तो टुगेदर होते हैं, या इसके मीनिंग होते हैं विद के, या इसके मीनिंग होते हैं यूनाइटेड के। अब देखिए, अगर हम इसको पढ़ते हैं इस तरह सिनोनिम्स या सिनोनिम्स, 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 ठीक है ना, तो अगर हम इसको पढ़ते हैं सिनोनिम्स, इससे मैच करते हैं सिनोनिम्स, तो आप देखिए सिनोनिम्स टुगेदर विद ये यूनाइटेड, अब यानी क्या हो गया कि टुगेदर यूनाइटेड, यानी ऐसा नाम सिनोनिम्स, सिनोनिम्स ऐसे वर्ड्स जो एक जैसे हो, एक साथ मीनिंग देते हो, एक जैसी मीनिंग देते हो, उनकी मीनिंग उनसे मैच होती हो, उसे हम कहते हैं सिनोनिम्स। क्लियर हो गई बात, सिनोनिम्स। दूसरा वर्ड हमारे पास यहाँ पर आज है, उस वर्ड के मीनिंग होम, HOM, होमो, इस ये वर्ड होमो होता है, होमो के मीनिंग सेम के होते हैं, कल भी मैंने अपने एक लेक्चर में ये बताया था कि होमो के जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं SAME, सेम। अब देखिए होमोनिम्स यानी सेम नेम वर्ड्स, होमोनिम्स, होमोनिम्स सेम नेम वर्ड्स को कहा जाता है, सेम नेम्स वर्ड्स। अब देखिए सेम, जैसे हमारे पास होमोनिम्स में, यहां मैं लिख देता हूं होमोनिम्स के, जैसे हमारे पास है RIGHT, राइट, इसको दूसरा भी इसका RIGHT, राइट, बट डिफरेंट मीनिंग, सेम प्रोनंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। एक होना था ना होमोग्राफ, होमोग्राफ में प्रोनंसिएशन डिफरेंट होती है, प्रोनंसिएशन डिफरेंट होती है, स्पेलिंग सेम होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होती है, वो होमोग्राफ होता है। लेकिन होमोनिम्स क्या होता है,
नेम ऐसे नाम ऐसे वर्ड्स जो के एक ही प्रोनंसिएशन एक ही तलफ्फुज में अदा किए जाएं, सेम प्रोनंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, एक मीनिंग राइट के सीधा और दूसरे मीनिंग हक, ठीक है। इसके मीनिंग यूं भी हो सकते हैं सीधा दायां, ठीक है, राइट, और दूसरे इसके मीनिंग होते हैं हक, ठीक है, राइट हक सेंस है, ठीक है। इसी तरह होता है बैंड, बी ए एन डी बैंड, जिसके मीनिंग होते हैं मुड़ा हुआ कर्व, और यही होता है बी ए एन डी बैंड, जिस एक ग्रुप होता है सिंगर्स का भी ग्रुप हो सकता है तो उसे भी बैंड कहते हैं, बैंड ऑफ सिंगर्स। तो आप देखिए ये कहलाएंगे होमोनिम्स, गेटिंग, समझ आ गई आपको। अब हमारे पास होमोनिम्स के बाद जो हमारे पास दूसरी चीज दूसरा वर्ड है वो है हमारे पास नंबर 3 ए एन टी एंट या एंटो, ठीक है, एंट या एंटो। अच्छा एंट और एंटो, एंट के जो मीनिंग होते हैं वो अगेंस्ट के होते हैं, एंटी भी इसे कहते हैं, एंटो भी कहते हैं, ए जी ए आई एन एस टी, या तो अगेंस्ट के होते हैं या ऑपोजिट भी कह सकते, ऑपोजिट भी होते हैं ओ डबल पी ओ एस आई टी, ऑपोजिट के मीनिंग होते हैं, एक्चुअली अगेंस्ट के मीनिंग। अब एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स के मीनिंग समझ आ गए, एंटोनिम्स। अब एंटोनिम्स के मीनिंग क्या होंगे, के मींस ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स, गेटिंग। एंड नंबर फोर जो हमारे पास है वो है हमारे पास मेट, एम ई टी, मेटो या मेट। अब मेटो और मेट के मीनिंग क्या है, इसके मीनिंग होते हैं अलोंग विद, ए एल ओ एन जी अलोंग, डब्ल्यू आई टी एच अलोंग विद, या दूसरे इसके जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं कि मीन्स इम्प्लाइंग चेंज, आई एम पी एल वाई आई एन जी इम्प्लाइंग चेंज, सी एच ए एन जी चेंज, ये मीनिंग होते हैं। और भी बहुत से मीनिंग होते हैं, बियॉन्ड भी मीनिंग होता है, बी ई वाई ओ यू एन डी बियॉन्ड, ये भी मीनिंग होते हैं इसके, ये सारे मीनिंग्स इसके एंड मेट्रो। तो मेट्रोनिम्स, तो मेट्रोनिम्स के जो मीनिंग हमारे पास मिलेंगे वो ये हो जाएंगे कि मीन्स डिफरेंट नेम वाले वर्ड्स, ठीक है, या यानी अलोंग विद उनके साथ चेंज, ऐसे नाम जिसमें कोई चेंज आए, ठीक। नंबर 5 मेट्रोनिम्स हो गए, नंबर 5 हमारे पास है, ठीक है, नंबर 5 है हमारे पास टोपो, टी ओ पी ओ टोपो, और टोपो के जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं प्लेस, पी एल ए सी प्लेस, प्लेस की मीनिंग होते हैं लोकल, एल ओ सी के एल लोकल, यानी टोपोनिम्स। अब जब टोपोनिम्स की बात होगी तो टोपोनिम्स के मीनिंग होंगे वो नाम जो जगहों के नाम होते हैं, प्लेसेस के नाम होते हैं, टोपोनिम्स कहलाते हैं। अब देखिए निम से हमने निम से लिया है और निम हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसको देखे 5 वर्ड्स हो गए। नंबर सिक्स हमारे पास है हाइपोनिम्स, एच वाई हाई पी ओ हाइपो। अब देखिए हाइपोनिम्स, अगर हम हाइपोनिम्स देखते हैं तो हाइपोनिम्स की मीनिंग होते हैं या तो अंडर या सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, यानी ऐसे नाम जो एक ही कैटेगरी में यानी उसकी दूसरी कैटेगरी बना रहे। जैसे सपोज अगर ये कहा जाए, अगर हम इसको यूं कहते हैं कि बस, बी यू एस बस, बस जो है वो एटोनिम्स है, बस इज एन हाइपोनिम्स, बस इज एन हाइपोनिम, एन एच वाई हाई पी ओ एन वाई एम हाइपोनिम, बस इज एन हाइपोनिम ऑफ व्हीकल, ठीक है ना, गाड़ी जो होती है
VEHICLE vehicle. तो bus is hyponyms of vehicle. तो ये जो bus है ये hyponyms है किसका? Vehicle का. ये bus hyponyms हो गया vehicle का. तो इसे हम hyponyms कहते हैं under the category या sub category उसे हम कह सकते हैं hyponyms. Number 7, 7th word जो है हमारे पास वो हमारे पास है X, E, X, O, EXO या X. अब इसके X के मायने external के होते हैं E, X, T, E, R, T, E, R, external, external के होते हैं या out, outer के होते हैं, outside के होते हैं O, U, T, out, S, I, D, E, outside. ये मीनिंग होते हैं. अब हेक्सोनिम क्या होता है ये देख लीजिए. अगर हम इसको यहां से लें तो ये वर्ड अब देगी हेक्सोनिम. हेक्सो को यहां से मैच किया हमने और ये आ गया हेक्सोनिम. अब देख रहे हैं आप यहां हेक्सोनिम, हेक्सोनिम जो मीनिंग हमारे पास बनेंगे इसकी मीनिंग बनते हैं अ नेम गिवन टू अ प्लेस बाय फॉरेनर्स. अब देखो A name given to a place by foreigners. Foreigners जो किसी को जगह को किसी नाम से पुकारने लग जाए. जैसे हमारे पास ये word है L-O-N-D-E-R-S launders. ये जो word है launder D-R-E-S launders जो ये आपका समझ दीजिए exonyms है E-X-O exonyms NYM exonym of launder जो है ना वो exonym है. किस चीज का exonym? London London. अब देखिए London का जो exonym बना वो क्या बना? Launders. अब वो जो है foreigners वो से इसको launders से भी पुकारते हैं. तो ये London इसका जो है ये launder इसका London का exonym है. तो exonyms ये मीनिंग आपके सामने आ गए. ठीक. नंबर 8 को हम सपोज यहां नहीं यही लिखते हैं. चलो नंबर 8 में जो हमारे पास आता है वो जैसे हमारे पास है एक्रो A-C-R-O एक्रो. और एक्रो की मीनिंग होते हैं H-I-G-H-T हाइट. H-I-G-H-T हाइट भी कहते हैं या हम एक्सट्रीम E-X-T-E-X-E-X-T-R-E-M-E एक्सट्रीम. अब एक्सट्रीम और हाइट यानी बहुत ज्यादा. इसे हम ये भी कह सकते हैं अबव भी कह सकते हैं A-B-O-V-E अबव भी कह सकते हैं. इस तरह के और भी मीनिंग होते हैं. अपर भी होते हैं. सरसरी तौर पे भी एक्रो एक्रो एक्चुअली हाइट. अब एक्रोनिम्स एक्रोनिम्स के जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं कि जैसे मैंने अपने एक लेक्चर में दिया था जैसे हमारे पास ये बहुत सारे वर्ड थे जो प्रोनाउंस्ड हो सके. एब्रिविएशन होता है लेकिन वो होता है जो प्रोनाउंस्ड हो जाए. ठीक है. और जैसे सपोज हमारे पास एक वर्ड है डब्ल्यू एच ओ. ये हु भी पढ़ सकते हैं डब्ल्यू एच ओ हु. लेकिन इससे इसके हर लेटर से कोई ना कोई एक वर्ड बनता हो. अब जैसे सपोज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो ये बनेगा आपका एक्रोनिम्स. इसी तरह हमारे कंट्री बिलवेड कंट्री पाकिस्तान तो पाकिस्तान इज आल्सो एन एक्रोनिम्स. ये मैं अपने एक लेक्चर में दे चुका हूँ इसके यानी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आप उसे देख लीजिएगा. ये 8 वर्ड हो गए. एक और वर्ड ले लेते हैं ऑटोनिम्स. ऑटो में यहां लिख दे रहा हूं ताकि आपको नजर आ जाए. नंबर 9 A-U-T-O ऑटो. ठीक है. अब ऑटो किसे कहते हैं आप जानते हैं S-E-L-F सेल्फ को कहते हैं. ठीक है. ऑटो वन सेल्फ या सेल्फ और रेल को भी कहते हैं R-E-A-L रेल रेल. अब ऑटोनिम्स रियल नेम या सेल्फ नेम यानी ऐसी तहरीर या ऐसी बुक या ऐसी चीज जो कि अपने नाम से लिखी जाए अपने नाम से उसको पेश किया जाए या राइटर अम्यूज करने के लिए अपने नाम से किसी के नाम से उसको छापते थे लेकिन वो रियल नेम होता है. रियल नेम या सेल्फ नेम ऑटो.
आज हमने ये 9 वर्ड्स सीखे हैं इसके, ठीक है, एक मेरे ख्याल से अभी रह गया है, एक और लिख देता हूँ, नंबर 10 हो जाएगा पूरा, उस 1 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर हम इसको भी मिला लेंगे यहाँ पे, और नंबर 10 जो हमारे पास बनेगा वो देखिए, नंबर 10 में ALLO, एलो। अब एलो क्या चीज होती है? हेलो, एलो जो है इसकी मीनिंग होते हैं अदर, OTHER, अदर। तो इसका मतलब क्या? अदर नेम, इसका मतलब हो गया अदर नेम। अब इसमें ये हो सकता है कि वो तहरीर या वो चीज या वो कोई भी चीज जो किसी और के नाम से हो उसे हम अदर नेम कहते हैं या एलोनिम्स कहा जाता है। ये यहाँ पर आगे ये हमारी हिस्ट्री में भी यूजुअली इस्तेमाल होता है, ठीक है, राइटर्स इसको अम्यूज करने के लिए किसी और के नाम से इसको लिख देता है किसी चीज को, तो एलोनिम्स कहलाता है। आप देख लीजिए, आज हमने एक यहाँ पे सफिक्स लिया था, इसे हम सफिक्स कहते हैं, निम्स या ऑनिम्स, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ जो डैश लगाए इसका मतलब ये है कि ये एंट है या और सिन है इसका, ये प्रीफिक्स है, ठीक है, ऑटो पूरा प्रीफिक्स है, मैट प्रीफिक्स है या मैटो या मेटोनिमी, टॉपो प्रीफिक्स है, हाइप है, हाइपो, इसी तरह एक्स होता है, एक्सोनी है, एक्रो है, ठीक है, इसी तरह एलो। तो ये सारे प्रीफिक्स लगाकर आज हमने देखिए निम से सिर्फ एक टेक्निकल वर्ड लिया निम, और जिससे आज हमने 10 वर्ड्स मजीद हासिल किए निम्स के। अब देख लीजिए इसमें कौन कौन से वर्ड है। सबसे पहले सिनोनिम्स, होमोनिम्स, सेम नेम, सिनोनिम्स क्या होता है, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, और सेम नेम, और एंटो, एंटोनिम्स, ऑपोजिट नेम, अगेंस्ट नेम, ठीक है, अगेंस्ट मीनिंग वाले नेम, ठीक है, और मेटोनिमी, मेटोनिमी या मेटोनिम भी पढ़ा जाता है, मेटोनिमी भी होती है वर्ड, ठीक है ना, उसे कहते हैं हम कि चेंज नेम, ठीक है ना। इसी तरह टोपो प्लेस को कहते हैं लोकल, यानी टोपोनिम्स, हाइपोनिम्स, एक्सोनिम्स, एक्रोनिम्स और एलोनिम्स। आज हमने एक जो है कि वो वर्ड लिया था निम्स, और आज निम्स से देखें कितने वर्ड हमने यहाँ पर सीख लिए। इसमें ये टेक्निक से बिलखुसूस आप देखिए एम केट और ई केट में बच्चे ज्यादातर वोकैबुलरी में प्रॉब्लम करते हैं, उनकी वोकैबुलरी बहुत कम होती है, और बस तो पूरी पूरी बुक लेकर रटना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, मगिंग जो है इससे जो है, या रोट लर्निंग, ये हमेशा याद नहीं रहती, भूल जाता है बंदा। टेक्निक जो होती हैं वो अगर याद रह जाती हैं तो आप देखें बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। अब इतनी जो है भाई सुन रहे, डिक्शनरी मेरे पास भी है और पूरी डिक्शनरी मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन मैं ये दावे से नहीं कह सकता कि हर वर्ड के मुझे मीनिंग आते हैं, नहीं आते। इंसान है, इंसान जो है भाई जाहिर सी बात है उसमें भूल का मात्रा भी, भूल जाता है इंसान, जरूरी नहीं है, लेकिन उसे बरकरार रखने के लिए कुछ टेक्निक रखनी पड़ती है। इतनी सारी डिक्शनरी आप याद नहीं कर सकते। एम केट और ई केट ने हमने देखा बड़े बड़े पेपर्स और पेजेस दे दिए जाते हैं, हजार हजार, तीन तीन हजार, दो दो हजार वोकैबुलरी के, इसको याद कीजिए, डेली बेसिस पे ले जाते हैं, रटरा रहते हैं, फिर बच्चा भूल जाता है। टेक्निक लगाइए बच्चों, टेक्निक से समझिए, इंशाल्लाह याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। और एक और बात, अभी बहुत जल्द मेरा लेक्चर आने वाला है एम केट, ई केट और बी केट में जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है, उसमें जो टेस्ट लिए जाते हैं उस पर इनकी इंग्लिश के, प्लीज़ उसको देखिएगा और देखते रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्रम रखें, ठीक है, वेट फॉर एम केट और ई केट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।